हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास ये वीवो V40e, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस फोन के टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर बताएंगे आपको इसी वीडियो में। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपके कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने फोन के अंदर इस प्रकार से शेक करते हैं तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसी बात जो आपका स्क्रीन ऑफ है, अगर इस पर आपको वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो अपने फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करा सकते हैं। हमने अपने फोन में फ्लिपकार्ट ओपन कर दिया, इसकी जगह आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी फोन के अंदर स्क्रीन जब ऑफ होती है तो इसके अंदर आप यहाँ से अपने फोन के अंदर डायरेक्ट अपने फोन की टॉर्च यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अपने फोन के अंदर आप कैलकुलेटर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक फीचर बताते हैं, आपकी जो होम स्क्रीन है इस पर अगर आप एक साथ तीन एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम अपने फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फोन के अंदर यहाँ से अपने फोन के अंदर हमने एक एप्लीकेशन ओपन किया फ्लिप मैसेज बॉक्स। अपना मैसेज बॉक्स में आपको यहाँ से थ्री फिंगर से स्वाइप अप कर देना है ऊपर के लिए। इसके बाद नीचे आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, या अपने फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, जैसे यहाँ से अपने फोन के अंदर हमने क्रोम ब्राउजर एक्सेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, यहाँ से आप दोनों हमारे फोन के अंदर रन कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन आपको ओपन करने के लिए आपको एक फीचर मिल जाता है, इसमें स्मार्ट साइड बार, इसे आप यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से अपने फोन के अंदर हम फेसबुक को ओपन कर देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फोन में फेसबुक भी ओपन हो चुकी है और इसका साइज आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं तीनों एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर रन कर रहे हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसे आप यहाँ से अगर मिनिमाइज कर दें तो ये फेसबुक आपकी यहाँ आ जाती है, यहीं से आप द्वारा एक्सेस कर सकती है। अगर आपको इसको ऑफ करना हो तो यहाँ से जाके इसे ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर एक स्क्रीन पर तीन एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकती हैं। इसके बाद आपको अपने फोन के अंदर इसमें एक फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे जब अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करते हैं इस प्रकार से, तो आपको लाइट इफेक्ट देखना, लाइट राइट से लेफ्ट की ओर जाती है। अगर आप इस फोन के अंदर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग में जाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट, इस पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको स्क्रीन पर सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ मिल जाता है आपको स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। अब यहाँ से जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं, हम इसे चेंज कर देते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे तो अब आप लाइट को देखना ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, इस प्रकार से देख सकते हैं। ऑफ किया तो ऊपर हो जाएगी, जब ऑन करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आती है। इस प्रकार से लाइट इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे अपने फोन के अंदर सेट कर सकते हैं। बैक करेंगे यहाँ से, इसमें आपके और बहुत सारे फीचर देखो मिल जाते हैं। यहाँ मिल जाता है आपको एम्बियंट लाइट इफेक्ट, इसमें जाएंगे नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिलेगा इनकमिंग कॉल। इनकमिंग कॉल पर जब सेट करेंगे तो लाइट इफेक्ट मिल जाता है आपको, अलग अलग लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ कॉल आने पर आपके फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, या आपको मल्टी कलर देखने को मिल जाते हैं, इसे हम अप्लाई कर देंगे। एक स्टेप बैक करेंगे यहाँ से हम, इसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन वाले को ओपन करेंगे। लाइट इफेक्ट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं नोटिफिकेशन पे, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर देंगे। एक स्टेप बैक करेंगे यहाँ से, अब यहाँ मिल जाता है आपको होम स्क्रीन एंटर एनिमेशन, जिन्हें आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एप्लीकेशन चेंज कर, जब होम स्क्रीन आप एंटर कर दें तब आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ मिल जाता है आपको अपने फोन के अंदर फेस फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जो आपका आइकॉन देखना फिंगरप्रिंट के, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग आइकॉन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट के, जिसे आप अपने फोन के अंदर एक्सेस कर सकती हैं। जब भी आप फिंगरप्रिंट पे अप्लाई करेंगे ना यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ से फिंगरप्रिंट हमारे फोन में ऐड नहीं है अभी। फेसबुक फेस लॉक यहाँ से एनिमेशन मिल जाते हैं फेस लॉक के, वो आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं। चार्जिंग एनिमेशन आपको यहीं से मिल जाते हैं अपने फोन के अंदर, जो भी आपको चार्जिंग एनिमेशन चाहिए वो आप यहाँ से अपने फोन के अंदर सेट कर सकते हैं। इस वाले को हम अप्लाई कर देंगे। बैक करेंगे, USB एनिमेशन भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, जब USB कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो ये एनिमेशन आपको मिल जाते हैं। बैक करेंगे, यहाँ से आपको स्क्रीन ऑन ऑफ का एनिमेशन जो अभी आपको सबसे पहले बताया था, इतनी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर के लिए फ़ोन की सेटिंग में फिर से जाना है और इसमें आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, नीचे सबसे नीचे एक फीचर मिल जाता है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इसमें जाएंगे। इसमें आपके बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्हें सारे फीचर बताएंगे कौन सा किस काम आता है। तो यहाँ से हम फोन की शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी में आ जाएंगे। सबसे पहला फीचर मिल जाता है स्मार्ट साइड बार, इसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक साइड बार यहाँ देखने को मिल जाता है, इसमें आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं।
और जो एप्लीकेशन आपकी पसंद के इसमें नहीं हो तो सिंपली आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे यहाँ से ऐड कर देंगे अपने फ़ोन के अंदर। इसमें अगर ऐड करना हो तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पर जाके आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको इसमें ऐड करना हो तो वो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके जैसे इसे हम यहाँ से ऐड कर देते हैं वो आपको यहाँ ऐड हो जाती हैं। इस प्रकार से आप इसे अपने फ़ोन के अंदर यूज कर देंगे, बैक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। अब यहाँ आपको फीचर मिल जाता है स्मार्ट मोशन, इसमें जाएंगे। सबसे पहले स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहला फीचर मिल जाता है राइज टू वेक, इसे ऑन करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर लॉक लगा हुआ है और आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा है, तो इस प्रकार से आपका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है इस प्रकार से, तो जब भी आप इस फ़ोन को उठाएंगे बिना कोई बटन प्रेस करे हुए आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, और फिर से आप इसे रख देंगे तो 2 सेकंड बाद इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, फिर से उठाएंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस प्रकार से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉल मैसेज नोटिफिकेशन जो भी हो सारे अपने फ़ोन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर से आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ मिल जाता है डबल टैप टू वेक स्क्रीन या डबल टैप टर्न ऑफ स्क्रीन, ये आपके लिए काम करता है। डबल टैप करके लॉक और डबल टैप करके अपनी स्क्रीन को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए काम करता है। फिर से आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग। इससे क्या होता है, जब भी अपने फ़ोन के अंदर आप कुछ यूज कर रहे हैं या कुछ रीड कर रहे हैं कोई भी टॉपिक अपने फ़ोन के अंदर, या फ़ोन को नाइट में यूज कर रहे हैं, तो आपको फ़ोन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर इसे ऑन करके रखेंगे तो आप जब तक फ़ोन की तरफ आपको फेस होगा तब तक आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। जैसे ही आपका फ़ोन फेस की तरफ से हट जाएगा तब आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी कुछ टाइम बाद। जब तक आप इसमें रीड कर रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, इसे ऑन करके रखते हैं तब। इस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। स्मार्ट कॉलिंग कैसे करनी है, पहला फीचर मिल जाता है स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है किसी को कॉल करना हो तो उसे आपको डायरेक्ट जैसे किसी की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं तो वहीं से आप उसको नंबर को कॉल लगा सकते हैं। सिर्फ फ़ोन को उठा के कान के पास तक लेना और डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्मार्ट आंसर। स्मार्ट आंसर में क्या है, अपने फ़ोन को बिना स्क्रीन टच करे बिना कोई बटन प्रेस करे कॉल को आंसर कर सकते हैं। सिर्फ फ़ोन को उठाना और कान के पास तक ले जाना, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच में क्या है, जैसे आपके पास कोई कॉल आई आप अपने फ़ोन को हैंड फ्री करके बात कर लेते हैं कई बार, तो आपको हैंड फ्री ऑफ करने की याद नहीं रहती, तो जैसे ही आपको फ़ोन कान के पास जाएगा तो जो आपका हैंड फ्री है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, फ़ोन आपको स्विच हो जाता है फ़ोन के स्पीकर से, लाउड स्पीकर से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट म्यूट में क्या है, अपने फ़ोन को अगर हाथ से कवर कर देंगे तो आप भी आपकी बैक कॉल म्यूट हो जाती है। इसके बाद आपको उसकी कॉल मैसेज नोटिफिकेशन सुनाई नहीं देती, जो आपकी रिंगटोन वगैरह होती है वो साइलेंट हो जाती है। फ्लिप टू फोन म्यूट इनकमिंग कॉल, अपने फ़ोन को आप फ्लिप करके यानी फ़ोन को उल्टा करके भी उसे म्यूट कर सकते हैं। अगर किसी की कॉल आ रही है उसे इग्नोर करना नहीं उठाना चाहते तो उसकी जो रिंगटोन बज रही है वो आपकी म्यूट हो जाती है, इसे फ्लिप करके रख देते हैं तब। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी के बाद आपको एक फीचर मिल जाता है सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। इससे क्या होता है, इसे ऑन करने बाद अपने फ़ोन को दो बार सेक करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट फीचर के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आपको एक स्टेप बैक आना है। शॉर्टकट एसेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ मिल जाता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन में जाने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। ओपन इसे इनेबल करने के बाद जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन है इसे आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब आपके लिए काम करता है। इसकी जगह आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। ओपन ऐप पर जाएंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन सेट कर देंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। अपने फ़ोन के अंदर जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए वो आप यहाँ से जाके इसे ओपन यूज कर देंगे। तो यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर इसमें हम यूट्यूब सेट कर देते हैं। अपने फ़ोन के अंदर सबसे नीचे आएंगे और यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर इसमें यूट्यूब सेट कर देते हैं। अब कैसे काम करेंगे, जैसे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, ऑफ स्क्रीन पे जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन है इसे जब आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो आपके फ़ोन में यूट्यूब ओपन हो जाता है डायरेक्ट। इस प्रकार से इसे शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। इस पर जब जाएंगे तो आप फोन को जब पावर बटन से प्रेस करते हैं तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं से जाके पावर बटन पर जाके इसे इनेबल मेन्यू पर सेट कर देंगे। अब आप डायरेक्ट फ़ोन प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ का ऑप्शन आता है, तो इस प्रकार से आप इसे सेट कर देंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईजी टच। ईजी टच में जाएंगे तो इसे ऑन कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक वॉल आ जाती है, आपकी वॉल आएगी यहाँ से, हमने अपने फ़ोन के अंदर एस्ट्रोनॉट ओपन कर रखा है। इसमें आपको ओपन करेंगे तो अलग अलग फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे मेन्यू मिल जाते हैं, यहीं से अपनी टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहीं से, इसी पे क्लिक करके कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर और भी जैसे अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर जैसे हमने फेसबुक ओपन किया, यूट्यूब आपके कैलकुलेटर यहाँ आ जाता है, यहीं से ना ओपन करेंगे, सिंपली इसी प्रकार से आएंगे। इस पर अगर आप एक बार बैक टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन हो जाती है, डबल टैप कर देंगे तो बैक आ जाती है अपने फ़ोन के अंदर, टैप एंड होल्ड रखने होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। इस प्रकार से आपके लिए काम करता है ये क्विक एक्शन जिसे हम बोलते हैं इजी टच।
इसके अगर स्क्रीन चेंज करनी है तो पर्सनलाइज स्क्रीन पे जाके इसे आप चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर देंगे तो आपकी जगह भी आ जाता है। इस हिसाब से इसकी स्क्रीन आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए तो उसे चेंज कर देंगे और नहीं भी चाहिए तो यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे आप। इस प्रकार से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वन हैंड मोड। वन हैंड मोड कैसे इनेबल करेंगे, इसे आप जेस्चर से इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हाफ स्क्रीन तक जाना और वापस आ जाना है, आपका फ़ोन आ जाता है वन हैंड मोड पर। आप इसे अपने फ़ोन को सिंगल हैंड से आप यूज कर सकते हैं। इसका साइज आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी आपको सेट करना हो तो वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। इस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे, और इसे ऑफ करना हो तो यहाँ से फुल हैंड मोड पर आ जाता है आपका फ़ोन। तो इस प्रकार से आप मिनी स्क्रीन की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से इसे ऑन ऑन कर देंगे आप वीडियो कॉल पे बैकग्राउंड में फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप इनेबल करके फिल्टर अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें मोर पे क्लिक करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन वीडियो कॉल सपोर्ट करते हैं, सारा एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर सबका सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। किसी भी मैसेज से या किसी भी एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में फिल्टर लगाने का ऑप्शन हर एप्लीकेशन में मिलेगा आपको इस फ़ोन के अंदर। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश इनकमिंग, इसे हमने पहले से ऑन कर रखी है अपने फ़ोन के अंदर, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट पिंग करेगी, इसे ऑन कर देंगे। नीचे इसके आपको ऑप्शन दे मिल जाता है एसेसिबिलिटी, इसमें जाएंगे, इसमें आपको एक फीचर देखना मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर एसेसिबिलिटी मेनू, इस पर जाएंगे और इसे ऑन कर देंगे। ओके, ऑन करने बाद आपकी स्क्रीन पर एक ये बटन आ जाता है ग्रीन कलर का, ये बटन आप लेफ्ट राइट किसी भी साइड आ सकता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक जगह बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ़ोन के अंदर। यहाँ से एसेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाएंगे डायरेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्विच ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अपना वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते हैं। रीसेंट एप्लीकेशन डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, इस पर क्लिक करके रीसेंट एप्लीकेशन में इस पर जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी ब्राइटनेस डाउन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी ब्राइटनेस आप डाउन कर देंगे और यहीं से ब्राइटनेस अपनी अप कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इसे सेट कर देंगे। इसके बाद इस पर आप यहाँ से स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इस साइड के लिए जाएंगे तो क्विक सेटिंग, यानी कि आप जो नोटिफिकेशन पैनल आता है जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट साइड बार, जैसे नोटिफिकेशन पैनल, इसे आप ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन, सिर्फ आप नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसे आपको ऑफ करना हो तो सिंपली यहाँ ला के इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर के लिए फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ से हम बैक करेंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इस पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग वॉलपेपर मिल जाते हैं। यहाँ से आपको AOD का स्टाइल मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि हमने यहाँ से सेट कर रखा है, इसे अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे एक स्टेप, यहाँ से जब आप बैक करेंगे तो यहाँ आपको डिस्प्ले मोड देखने को मिल जाता है कैसे काम करता है आपके लिए। नोटिफिकेशन आप कौन कौन से एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फ़ोन, जो भी हमने सेट कर रखे हैं वो यूज कर सकते हैं। अभी आपके लिए कैसे काम करेगा, फ़ोन को स्क्रीन लॉक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डेट एंड टाइम, बैटरी परसेंटेज सारा आपको बताता है ये। इस प्रकार से यूज करेंगे, यहाँ मिल जाते हैं UI कलर, जिसे बोलते हैं कलर एंड स्टाइल, इस पर जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर ब्लू कलर है। इस कलर को चेंज करने के लिए सिस्टम एंड UI कलर, इसे आप ओपन कर देंगे। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर कलर चेंज हो जाता है, आपके एप्लीकेशन में भी सेम कलर आ जाता है, कैसे देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन में भी सेम कलर आता है। इसे अगर आपको नॉर्मल करना हो, अगर ऐप्स में ऐसे ऑफ करना हो तो इस वाले को ऑफ कर देंगे तो ऐप्स आपके नॉर्मल हो जाते हैं। इसकी जगह कलर और भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से ब्लू कलर भी आ जाता है, और भी कलर अपने फ़ोन के अंदर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं जिन्हें अपने फ़ोन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको वापस से वही कलर चाहिए तो इस वाले को ऑफ कर देंगे, जो कलर आपके फ़ोन में पहले था वापस से वही कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से यूज करेंगे, एक स्टेप बैक आ जाएंगे, यहाँ मिलता है आपको लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। कस्टम लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ से इसका जो टाइम है इसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। इसका फॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, टाइम के जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। इसके आपको यहाँ से कलर देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कलर अपने फ़ोन के अंदर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कोई भी कलर यूज नहीं करना, वो भी आप यहाँ से सेट कर देंगे। यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर मिल जाते हैं, जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेटर है इसकी जगह आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से कैमरा सेट कर देंगे, फ्लैश लाइट की जगह कुछ भी आप सेट कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर देंगे, आपका लॉक स्क्रीन पर आ जाएगा। यहीं से आपको एक फीचर मिल जाता है लॉक स्क्रीन पोस्टर, जो कि हमारे से यहाँ से आपको फ़ोन में ऑफ होगा, इसे जो आपको फ़ोन में बाई डिफॉल्ट ऑफ होगा। इस ऑफ से क्या है, जैसे आपने फ़ोन के अंदर लॉक किया और आपकी स्क्रीन पे वॉलपेपर है तो अब हर बार आपको यही वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा लॉक स्क्रीन पे। इसे आपको चेंज करना है तो इस पोस्टर को जब आप ऑन करेंगे,
फोन को लॉक कर देंगे तो हर बार आपको एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा आपको अपने फ़ोन के अंदर। इस प्रकार से देख सकते हैं हर बार आपको एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है फ़ोन के अंदर। इस प्रकार से यूज करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब यहाँ आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इससे क्या होता है, जैसे हमारा फ़ोन लॉक है, लॉक होने के बाद कोई अपना नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेता है तो यहाँ से आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन किसकी है, किसने क्या भेजा है, वो सारा आप कोई भी आपके फ़ोन के अंदर एक्सेस कर सकता है अगर आपके फ़ोन के अंदर लॉक लगा हुआ है तब भी। अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देंगे। अब आपके फ़ोन के अंदर अगर लॉक लगा हुआ होता है तब आपको नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस करेंगे, किसी को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे कई बार आपको यूज होता है तो आपके फ़ोन के अंदर कोई नेट खोल के हॉटस्पॉट खोल के भी यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके लिए काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाला है, इसे अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ से मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर होम स्क्रीन सेटिंग, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। सिंपल मोड में क्या है, इसे जब हम ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में सिंपल मोड कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, फ़ोन लोडिंग करेगा, सिंपल मोड इस प्रकार से आ जाता है। जो ऐप्स वगैरह हैं वो आपके कुछ बड़े हो जाते हैं और इसे ऑन करने के बाद आपको उस नोकिया का एक फ़ोन आया था, नोकिया लुमिया, जिसे विंडो फ़ोन बोला जाता था, सेम वैसे आपके लिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको आल ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार से जो नोकिया के फ़ोन में मिलते हैं तो सेम वही फीचर आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अपनी सेटिंग में आ जाएंगे आप, सिंपली यहाँ से आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ओपन हैं। यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी ऐप यूज कर सकती हैं। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर इसे वापस से ऑफ करना हो तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ मिल जाता है एग्जिट सिंपल व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे आपका वापस से इस सिम नॉर्मल मोड में आ जाता है फ़ोन। इस प्रकार से आपसे सेट कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं, जो स्क्रीन पर आप ऐप्स देख रहे हैं इनका साइज कम ज़्यादा करना हो या इनको जो अभी आपके राउंडेड में करने हैं या आपके स्क्वायर में है इसे आपको सर्कल में करना है, राउंडेड करना है, तो कैसे करेंगे, डिस्प्ले पर टू फिंगर से पिंच इन करेंगे, होम सेटिंग में जाएंगे, यह मिल जाता है आपको राउंडेड कॉर्नर साइज ऑफ आइकन, इसको दोनों को आप जीरो कर देंगे। यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से हम दोनों को जीरो कर देंगे, अब आपके फ़ोन के अंदर वाइट डिफॉल्ट सेट हो जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अब आपके ऐप्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, इस प्रकार से इनका साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए फिर से इस पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे, होम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ मिलता है आपको स्लाइडिंग इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर लेफ्ट राइट करते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है, तो इस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट फीचर आपको बताते हैं, अपने फ़ोन के अंदर जो यहाँ से आप बटन देख रहे हैं हमारे, इसकी जगह आपको स्वाइप वाला बटन चाहिए या फिर नेविगेशन जिस तरह वाले बटन इनेबल करने हो तो कैसे करेंगे। बटन इनेबल करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम, सिस्टम पर जाएंगे, सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको बटन है, यहाँ से बटन लेफ्ट राइट भी करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने थ्री बटन के लिए बटन चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और बट जस्टर पर क्लिक करना है तो जस्टर नेविगेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके बटन यहाँ से हाइड हो जाते हैं। अब आपको बैक करना हो तो इस साइड से स्वाइप कर देंगे तो बैक आ जाएंगे आप, इस साइड से स्वाइप कर देंगे तो आप बैक आ जाएंगे, और बीच से स्वाइप कर देंगे तब आप आ जाते हैं होम स्क्रीन पर, बीच से स्वाइप एंड होल्ड रखेंगे तो रिसेंट टास्क में आ जाते हैं आप। तो इस प्रकार से अपने बटन आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आपको एक फीचर मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसमें जाएंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर आप आई प्रोटेक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे नाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ऑफ कर देंगे, यहाँ से आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, सिंगल क्लिक में आपका फ़ोन डार्क मोड में इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। नीचे आपको अपने फ़ोन के अंदर फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है जिन्हें आप अलग अलग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ से आपको अपनी बैटरी परसेंटेज शो करने का ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, अभी शो हो रही है यहाँ से आप ऑफ कर देंगे, यहाँ शो कर सकते हैं। बैटरी को भी यहाँ से सर्कल में कर सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से यहीं से आपको इंटरनेट स्पीड शो करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इन्हें आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर मिल जाता है, अगर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो यहाँ से मिल जाता है ऐप्स, इस पर जाएंगे, इसमें जाने के बाद यहाँ से मिल जाता है ऐप क्लोन। ऐप क्लोन पर जाने के बाद जिसका भी आपको डॉल करना है, जैसे हमने फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का, इनके हमने डॉल कर दिए, और सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं फ़ोनपे का, तो हमने फ़ोनपे का भी डॉल अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से देख सकते हैं फेसबुक के दो अकाउंट हो चुके हैं और फ्लिपकार्ट के दो अकाउंट यहाँ से हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के लिए और फ़ोनपे के दोनों अकाउंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप डॉल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर नेक्स्ट फीचर के लिए फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ से आपको अगर किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, लॉक लगाने के लिए आपको जाना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में जाने के बाद नीचे आ जाना है तो यहाँ मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, यहाँ से जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड ऑप्शन 4Z का सेट कर देंगे, कोई भी पासवर्ड सेट कर देंगे, फिर से ऐसे वेरीफाई कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से सबसे पहले स्कूल का नाम एंटर कर देंगे, उसकी जगह आप अपना नाम एंटर कर देंगे, जो भी आपका नाम होगा उसे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद लेटर करेंगे,
यहाँ से आपको ऐप इंक्रिप्शन पे जाएंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको लॉक करने हैं, यहाँ से दो एप्लीकेशन हमने लॉक कर दिए, अमेजोन और अपनी एल्बम। तो गैलरी है हमारी जो कि हमारी लॉक हो चुकी है, पासवर्ड डालने के बाद ऐप से ओपन कर सकती हैं। एक हमने अपने फ़ोन के अंदर अमेजोन लॉक किया था, तो यहाँ से आप चेक करा देते हैं, अमेजोन भी हमारा लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है, सारे आपको बताए हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर कस्टमाइज करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।